بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट, प्रिय से हैं आप। आज आपके सामने क्लास सिक्स का सेकेंड टर्म का सिलेबस पेश कर रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखें और इसमें यह सब्जेक्ट वाइज सेकेंड टर्म का सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को आपने बेटा जैसे देखें, ये इंग्लिश कैप ऊपर फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, नीचे सेकेंड टर्म का सिलेबस है। इन चैप्टर्स को देखें, आगे उन्हीं चैप्टर्स की फिर ये डिटेल दी हुई है और इसी डिटेल के अंदर बी पेपर का भी बताया हुआ है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है और इसको देखना कि इसमें बी पेपर का खास तौर पे पैराग्राफ, स्टोरीज, लेटर्स सब कुछ दिया हुआ है और एक्सरसाइज के भी जो जो टॉपिक शामिल हैं क्वेश्चन वो भी यहाँ बताए हुए हैं। मैथ में देखें, ये ऊपर फर्स्ट टर्म है, नीचे सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म के अंदर चैप्टर और हर एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है। फिर हर एक्सरसाइज को वीकली तौर पर कैसे करना है कि हर वीक में क्या क्या पढ़ना है, ये वीकली सिलेबस दिया हुआ है। तो इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करोगे वीकली के हिसाब से तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप ये जनरल साइंस का आ गया, नीचे देखें कि नीचे वाला फाइनल टर्म क्या है, जो हमारी सेकंड टर्म भी है, तो इसमें इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को रोक के उन टॉपिक्स को नोट कर लेना है, तो उसके मुताबिक बेटा आपने तैयारी करनी है। इस तरह ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, नीचे देखें कि नीचे सेकंड टर्म का है, इसमें हिस्ट्री का अलग से है और जियो का अलग से दिया हुआ है। इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी डिटेल से लिखे हुए हैं, तो आपने उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से टिक कर लेना है, याद कर लेना है। इस तरह ये कंप्यूटर साइंस का है, नीचे वाला जो इसका सेकंड टर्म है, इसमें तीसरे चैप्टर के भी कुछ टॉपिक शामिल हैं, चौथा भी और पांचवा भी। तीसरा चैप्टर फर्स्ट टर्म में भी इसका एक टॉपिक था, तो बाकी टॉपिक इसके कुछ हैं वो आप सेकंड टर्म में हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने ये टॉपिक जो है ना ये ध्यान से टिक करने हैं, क्योंकि इसमें कम्प्लीट चैप्टर नहीं होता, बाद सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। तो जिन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाई जाती है उनमें ड्राइंग का ये फाइनल टर्म के अंदर दो चैप्टर हैं, तो उन दो चैप्टर्स के अंदर क्या कुछ है ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये वीकली बताया हुआ है कि किस वीक में क्या पढ़ना है। तो इस तरह बेटा ये इस्लामियात का आ गया, इस्लामियात के अंदर भी आप देखेंगे ये टॉपिक ये चैप्टरों के नाम दिए हुए हैं। तो फिर आगे जब वीकली डिटेल आएगी तो इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं वो भी बताए हुए हैं। एक्चुअली ये सिलेबस उस वक्त का आया हुआ है जब स्कूल हफ्ते में स्टूडेंट ने तीन दिन जाना होता था, तो आगे नंबर ऑफ डेज थ्री था, मतलब कि एक वीक में ये पढ़ना होता है, तो ये डेट वाइज दिया हुआ है, इसके मुताबिक हमने तैयारी करनी थी। तो इसी तरह ये फाइनल जो रिज़ल्ट के बारे में भी डेट हर चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है। उर्दू के बड़ा सिलेबस में उर्दू का देखो पूरे सबकों के नाम ऊपर दिए हुए हैं जो फाइनल टर्म है इसमें, और फिर ग्रामर का मजमून, खत, कहानियाँ और जो जो ग्रामरों की तारीफें हैं वो भी इसमें बताई हुई हैं। तो इसमें देखें ये वीकली शेड्यूल के अंदर वो सारी डिटेल के साथ सब कहानियों के नाम, खतों के नाम, कहानियों के दरख्वास्तें, जो जो तारीफ़ें हैं उन सब की डिटेल बताई हुई है। इनको आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो कि कौन सा मजमून या कहानी या खत या दरख्वास्त जो भी है वो आपको इस बारे में क्लियर हो जाएगा, आप उसमें परेशान नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।